सब्सक्राइब कीजिए यस फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, एएस फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती बनाना बताऊंगी। इस तरह से हमें मोड़ लेना है। देखिए, जिस साइड हमारा ये क्लोज है, इस साइड से हमें 2.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगाना है और यहाँ से हमें 7 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। आप जितना गला भी पहनते हैं, जितनी निचाई का भी, 7 इंच या 6.5 इंच, आप उतनी दूरी पर निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से रख करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से हम 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। चलिए अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये गला बन चुका है। देखिए, कुर्ती के मैंने फ्रंट पार्ट की पहले से कटिंग की हुई है और यहाँ पर मुझे ये नेक लगाना है। और देखिए, इसकी जो हमारी नेक की यहाँ पर जो शेप है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो हमें किस तरह से लगाना है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वैसे ये बी शेप में है, तो बी शेप की मैंने वो कटिंग करके आपको दिखा दी है। देखिए, ये अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगाना है। सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेते हैं। इस तरह से बराबर करके रखना है। यहाँ पर ये मैंने फोल्ड कर लिया है, तो जिस साइड ये हमारा क्लोज है, यहाँ पर हमें सेंटर में निशान लगाना है। इसको हम इस तरह से रख करके देख लेंगे जहाँ तक ये हमारा लगभग आ रहा है। देखिए, यहाँ तक हमें निशान लगाना है। इस तरह से रख करके अब हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए, सेंटर में इस तरह से रखना है। ये जो हमारा कॉर्नर है, ये यहाँ पर मिलाना है। और इस तरह से रख करके सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम गला रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमने 7 इंच निचाई का हमने वो गले की कटिंग की है, तो हमें लगभग उतना ही रखना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 7 इंच ही होनी चाहिए। यदि अधिक रख लेंगे आप, तो यहाँ पर जब हम पट्टी लगाएंगे गले पर, तो हमारी वो सही नहीं बैठती है, इसलिए इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पर हमें सेंटर में एक सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई लगानी है। इसको हम बाद में निकाल देंगे।
या आप नहीं भी निकालें। यहाँ तक हमें लगा देनी है, इसके बाद हम यहाँ पर किनारे किनारे लगाते जाएंगे और सही से रखना है इसको। देखिए इस तरह से, इसमें सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। जब तो यूं कह रही थी कि इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है पूरी इस पर। अब चलिए, हमने जो ये गले की कटिंग की थी इसको हम इस कपड़े पर रख लेंगे इस तरह से, या तो प्रेस से हम चिपका लेंगे या सिलाई कर लेंगे। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 इंच होनी चाहिए निशान लगा करके। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ना ही कम होनी चाहिए ना ही अधिक। और इस तरह से अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर रख करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है हमें, किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। अब इससे आगे हमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे।
तरह से मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से। और देखिए ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेते हैं। और इसको भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएंगे। और इस तरह से हम रख करके दोनों के कट मिला करके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है हमें। जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है इससे आधा इंच इधर को हमें काटना है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, इस पट्टी को हम पलट लेते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर कुर्ती पर मैंने ये दामन पर लगाने के लिए नीचे इस गोल्डन कलर के फैब्रिक से ये मैंने दो पट्टी काटी है, दोनों पार्ट पर लगाने के लिए, फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट पर, और दोनों ये आस्तीन पर लगाने के लिए। देखिए 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी और लंबाई हमें उतनी ही रखनी है जितनी चाक की लंबाई है। चलिए अब मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम इस कपड़े को उल्टा रख लेंगे और इस तरह से इसके बराबर हम ये पट्टी रख लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर ये पट्टी लग चुकी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ को सीधी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हमें फोल्ड कर लेना है ताकि हमारे कपड़े के धागे नहीं निकले, और इस तरह से रख करके यहाँ पर हम किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे गोल्डन कपड़े के ऊपर। ठीक इसी तरह हमें बैक पार्ट पर भी लगानी है और आस्तीन पर भी लगानी है। इस तरह से ये कुर्ती के दोनों पार्ट पर गोल्डन पट्टी लग चुकी है और ये आस्तीन पर भी लग चुकी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।